हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू आशीष सिंह लेक्चर्स आई एम भुवनेश्वर चंद माथुर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस गैप फिलिंग देयर आर टू थ्री काइंड्स ऑफ गैप फिलिंग वी गेट इन क्लास 10 सीबीएसई एंड इन आल्सो इक्वली गुड इन अदर एग्जाम्स आल्सो सो लेट अस डिस्कस दिस इज अ सॉर्ट ऑफ हेडलाइंस वी गेट इन न्यूज़पेपर जो हेडलाइंस हमें अखबार में मिलती है उनको हम कोशिश कर रहे हैं कंप्लीट द हेडलाइंस बाय चूजिंग और सेलेक्टिंग वन एंड द सेम थिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो इच सो लेट लेटस सी नंबर वन सुसाइड ब्लास्ट किल्स टू इन पाक मार्केट देखिए सुसाइड ब्लास्ट वॉट वी हैव टू फिल टू इन पाक मार्केट एंड वोट सेवेंटी अदर्स एक्शन अभी ये हो चुका या अब होगा देखिए क्या विल किल बोला जाएगा एनालाइज इच एंड एवरी मल्टीपल चॉइस सबको देखिए किल्स मारता है हेड किल्ड हेड भी और किल्ड भी है कैसे पॉसिबल है नाउ आई लीव अ चॉइस आई थिंक ए और डी क्योंकि एक्शन पूरा हो चुका है बहुत अच्छी तरह ध्यान से देखिए और ट्राई कीजिए

तो देखिए वोंडेड हमें एक बहुत बड़ा यहाँ पर हिंट दे रहा है प्लीज गौर कीजिए एक एक वर्ड को जब भी gap भी गैप फिलिंग करें चाहे कोई एग्जाम हो इन इंग्लिश वी शुड रीड द सेंटेंस इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर आंसर देने की जल्दबाजी एटलीस्ट इन एनी एग्जाम ऑफ मल्टीपल चॉइस वी शुड नॉट बी इन हरी जल्दी नहीं ओके यू विल सी द आंसर्स वन बाय वन एनआरआई गेट्स जेल सेंटेंस for 200 dollars million health care scam gets जितने भी verb हैं उनको अच्छी तरह देखिए क्या कमी आपको लगती है वो try कीजिए whether it is in subject verb concord tense preposition maybe conjunction कुछ भी हमको गैप फिलिंग में मिल सकता है सो लेट अस स्टडी एन इंडियन अमेरिकन मैन देखिए एक मैन है एक अगर प्लूरल होते ये तो एम एन होता एन इंडियन अमेरिकन मैन वो सेंटेंस टू जेल भर भर के देखिए इन टू हंड्रेड मिलियन हेल्थ केयर स्कैम बाय ए यूएस कोर्ट वो सेंटेंस टू जेल विल गो टू जेल जाएगा गोट जेल गोट जेल मीन जेल मिल गई अगर ऐसे देखेंगे अच्छी तरह एन इंडियन अमेरिकन मैन गॉट जेल इन ये मतलब ही उल्टा हो गया कि किसी इंडियन अमेरिकन को जेल मिल गई 200 मिलियन हेल्थ केयर स्कैम करने के बाद मीनिंग एंटायरली चेंजेस एबसर्ड मीनिंग आ जाएगा वी शुड बी केयरफुल देन ट्राई सी गॉट जेल वॉस टू गो टू जेल व्हाट इज दिस एन इंडियन अमेरिकन मैन जाना चाहता था जेल वॉस टू गो टू जेल सी द ट्राई टू मेक अ मीनिंगफुलटेंस प्लीज ट्राई टू उसका मीनिंग वाले, वाले आ जाए वो नहीं जल्दी स्कूल बाउंड गर्ल क्रस्ट बाई मिनी ट्रक यानी गर्ल कहां जा रही थी स्कूल जा रही थी रास्ते में ट्रक ने उसको एक्सीडेंट में टक्कर मार दी क्या हुआ एन इलेवन इल्ड गर्ल ब्लैंक बाई अ मिनी ट्रक यस्टरडे नियर गोकुलपुरी हर कजिन हम एक एक करके देखते हैं एन इलेवन ओल्ड गर्ल क्रश किया जाए उसे उसको मार डाला जाएगा शेल भी क्रश बाय ए मिनी ट्रक यस्टरडे क्या कह रहा है प्लीज कंसीडर दिस वर्ड Yesterday, यानी ये एक्ट आई मीन टू से दिस इंसिडेंस इज ना ओवर हो चुका है क्रश्ड, क्रश्ड एन ओल्ड गर्ल अ मिनी ट्रक कब यस्टरडे नियर गोकुलपुरी बूंदिंग हर कजिन थोड़ा थोड़ा मुझे या तो ये या तो ये इनमें से एक चॉइस करनी पड़ेगी एटलीस्ट थर्ड में ए और बी तो चॉइस नहीं बनेंगे देन वी डिस्कस फोर्थ वन ए आई एम्प्लॉयज और एयर इंडिया एम्प्लॉय थ्रेटिन टू स्ट्राइक यानी क्या मीनिंग है कि एयर इंडिया के एम्प्लॉयज ने कर्मचारियों ने हड़ताल की धमकी दी है एयर इंडिया एम्प्लॉयज टूडे ब्रैकेट में क्या बताया गया टू ऑन हड़ताल पर जाने की धमकी दी स्ट्राइक फ्रॉम डिसंबर ट्वेंटी इलेवन अगेंस्ट मैनेजमेंट विद सर्टेन फैसिलिटीज समझ लीजिए पहले एयर इंडिया का मैनेजमेंट जो पहले फैसिलिटीज कर्मचारियों को देता था अभी नहीं दे रहा <coughs> ट्राई करते हैं एयर इंडिया एम्प्लॉइज टूडे तो आज क्या हुआ थ्रेटेंड आज ही तो कहा है धमकाया है। टू ऑन स्ट्राइक फ्रॉम डिसम्बर अगर मैं कहता इंडिया को ही धमकी दे दी मीनिंग देखिए ऑल्टर हो रहा है to threaten उनको धमकाना पड़ेगा विल बी थ्रेटन उनको धमकाया जाएगा प्लीज कंसिडर ऑल दिस फैक्ट्स वंस Do not be in hurry, because these are also valuable marks. We will discuss the grammatical rules also, but first try to understand. Answers we have no issue. Here, India employees threatened to strike. So, threatened is the right answer. Threatened, Dhamkaya. kava aaj.

एक्ट नाउ हेज बिन कंप्लीटेड जब ये बात हो रही है तो ये एक्ट पूरा हो चुका है सुसाइड ब्लास्ट किल्ड हो गया ना एक्शन टू इन मार्क पाक मार्केट एंड बुन्डेट सेवेंटी अदर्स सो दिस इज हाउ वी शुड हमको ए बी सी डी मीनिंगफुल सेंटेंस सेंटेंस चाहिए द शुड बी मीनिंगफुल हमने सबको रख के फिलअप करके देखा गैप फिल करके देखा मीनिंग ही एंटायर चेंज हो रहा है सो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सेंटेंस में क्या है क्या क्या हिंट्स हमको क्या क्या क्लू दिए गए हैं मैंने आपको एक हिंट दिया यहाँ देन डिस्कस सेकंड वन ट्राई टू अंडरस्टैंड एनआरआई गेट्स मिली जेल सेंटेंस इन टू हंड्रेड मिलियन हेल्थ स्कैम ये कंफ्यूजन बहुत सारा यहाँ पे दिया गया कि जेल ही मिल गई उनको हमेशा उनकी होगी नो मीनिंग देखिए एन इंडियन अमेरिकन वॉज सेंटेंस टू जेल इन टू हंड्रेड मिलियन हेल्थ केयर स्कैम बाई अस कोर्ट वॉज इनको दे दी गई ये सजा इनको ये निर्णय सुना दिया गया था सो so, ये मीनिंग क्लियर हुआ नाउ एन इंडियन अमेरिकन वॉज सेंटेंस टू जेल इन टू हंड्रेड मिलियन हेल्थ केयर स्कैम बाई ए यूएस को सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेज इन विच वी कैन डिस्कस एंड अंडरस्टैंड हाउ टू फिल इन द गैप्स विच वी गेट इन टू और थ्री टाइप्स कई बार हमको न्यूज़ पेपर वाला मिलता है कई बार डायलॉग्स का मिलता है सो एनी थिंग कैन वी कैन डील बट मैटर हार्ट ऑफ द मैटर इज सेम हमको कैसे निकालना है इनका मीनिंग कम से कम टाइम में कम से कम एफर्ट में इफ वी नो द एग्जैक्ट करेक्ट मीनिंग पहले ये तो समझने की कोशिश करें इसको देखिए एक लास्ट में air india employees today आज were threatened का मतलब हो गया कि एयर इंडिया वालों कर्मचारियों को धमकी दी गई तो मीनिंग चेंज ना हो जाए ध्यान रखिए हेड टू थ्रेटन इनको दबाना पड़, पड़ेगा Will इनको धमकाना पड़ेगा विल बी थ्रेटन इनको धमकाना पड़ेगा ऐसा होगा नहीं तो आई रूल आउट ऑल दिस थ्रेटनड टू गो

सेटिस्फेक्शन होता है आपको मीनिंग क्लियर आता है जैसे हमने एयर इंडिया के इशू में देखा वापस कर करके देखिए इसको ऐसे सेंटेंसेस को ट्राई टू फिल अप द ब्लैंक्स विद दिस आई थैंक यू एंड गुड लक टू यू फॉर योर एग्जाम्स